हेलो दोस्तों, एक बार फिर सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किसी बड़ी इमेज को मल्टीपल पेजेस में कैसे प्रिंट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट की मदद से, यानी कि किसी बड़ी इमेज को कई सारे पेजेस में प्रिंट करना। ठीक है, तो देखिए ये हमारी एक इमेज है जो डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर रखी है, ये देखिए। ठीक है, पिक नाम से। अब अगर इसे हमें कई सारे पेजेस में प्रिंट करना है तो सिंपल मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ओपन कर लूंगा। ओपन विथ पे जाएंगे हम, देखिए राइट क्लिक करने के बाद कई सारे ऑप्शन आएंगे आपके पास, तो हमें जाना है ओपन विथ पे। उसके बाद यहाँ स्क्रॉल नीचे करिए तो ये देखिए पेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो बेसिकली हमें ये जो फोटो है ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ओपन करनी है। तो यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो यही फोटो जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए ये एक पिक्चर जो है माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ओपन हो गई। अब अगर इसे हमें मल्टीपल पेजेस में यानी कई सारे पेजेस में प्रिंट लेना है तो हमें क्या करना होगा, हमको जाना होगा यहाँ देखिए फाइल का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर, इस पर क्लिक कर दीजिए तो नीचे कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे। तो हमें जाना है प्रिंट में, ये रहा प्रिंट। अच्छा, प्रिंट में जाने के बाद आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, प्रिंट सेटअप एंड प्रिंट प्रीव्यू। तो हमें बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यानी कि प्रिंट सॉरी पेज सेटअप पे क्लिक करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन प्रिंट है, दूसरा ऑप्शन पेज सेटअप है और तीसरा ऑप्शन प्रिंट प्रीव्यू है। तो हमें दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, पेज सेटअप पे। तो जब हम पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पेज सेटअप ओपन हो जाएगा, ये रहा आपका पेज सेटअप। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। देखिए वैसे तो चेंजेस बहुत सारे हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपनी जो आपकी जो पिक्चर उसकी साइज के हिसाब से अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं एक जनरल चेंज करके दिखा रहा हूं कि मतलब एक नॉर्मल पिक्चर को हम कैसे अलग अलग पेजेस में प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिये साइज मैंने A4 रखा है, ये देखिए साइज यहां पर देख लीजिए, ये A4 रखा है। उसके बाद मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, लैंडस्केप नहीं सिलेक्ट कर रहा हूं, पोर्ट्रेट सिलेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद नीचे जाइए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सिलेक्ट कर ले रहे हैं, सेंटरिंग ये बताता है यहां पे। अब यहां पर मैं एडजस्ट टू सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, फिट टू सिलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, फिट टू सिलेक्ट करने के बाद यहां पर मुझे 4x2 पेजेस में ये प्रिंट जो है चाहिए। ठीक है, बस इतना ही करना है। उसके बाद मैं यहां से इसको ओके कर दूंगा, तो ये मेरा सिलेक्शन हो गया। आप प्रीव्यू आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रिंट कैसे आपको मिलेगा। तो वापस चलेंगे फाइल में और यहां नीचे क्लिक करिए और यहां प्रिंट पे जाइए। उसी तरीके से तीन ऑप्शन, प्रिंट, पेज सेटअप और प्रिंट प्रीव्यू। तो इस बार हमें प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करना है क्योंकि हमें प्रीव्यू देखना है, क्योंकि जैसा प्रीव्यू होगा वैसा ही हमारा प्रिंट आएगा। ठीक है, अब इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपका प्रिंट प्रीव्यू है। यहां से आप नेक्स्ट नीचे कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट पेज है। तो जब इस पे आप नीचे क्लिक करते जाएंगे तो ये देखिए अलग अलग पेजेस में ये दिखा रहा है। मैंने दो पेजेस एक साथ सेलेक्ट किए हैं, आप चाहें तो सिंगल भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे वन पेज कर दूंगा तो ये वन पेज यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर वन पेज ही शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग पेजेस में इसका प्रिंट आएगा। ठीक है, तो इस तरह आप किसी बड़ी इमेज को अलग अलग पेजेस में यानी मल्टीपल पेजेस में प्रिंट ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट की मदद से।